आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की। दोस्तों, बात हमारे देश की है तो सरोकार सीधा देश की उन बातों से है, उन मामलों से है जिनमें जनता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हमारा मुद्दा है, वो है चुनावी मिशन। दोस्तों, हमारे देश में चाहे साक्षरता मिशन हो ना हो, शिक्षा मिशन हो ना हो, स्वास्थ्य मिशन हो ना हो, आधारभूत ढांचा मिशन हो ना हो, विकास मिशन हो ना हो, पर चुनाव एक मिशन के रूप में ही लड़ा जाता है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव को एक मिशन के रूप में ही देखती हैं, और देखना भी चाहिए भाई। अगर मिशन के रूप में नहीं बनाएगी तो सत्ता की कुंजी, सत्ता की चाबी कैसे मिलेगी, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ कैसे पाएंगे। तो मिशन बनाना बहुत ठीक बात है, मैं इस मिशन की बुराई नहीं करूंगा, मैं उनकी विरोध नहीं करूंगा, पर मेरा सीधा मानना यह है कि अगर ये मिशन चुनाव के समय बनाया जा सकता है, यानी जो मिशन युद्ध भूमि में बनता है, जो मिशन रणभूमि में बनता है, वो मिशन आज चुनाव भूमि में बन के राजनीतिक पार्टियां बनाकर बैठी हुई हैं और एक मिशन की तरह चुनाव को लड़ने जा रही हैं, लड़ रही हैं। एक बाय एक उनकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, पटकथा तैयार होती है, कैसे काम करना है, कैसे रैलियां करनी है, कैसी आम जनसभाएं करनी है, कैसे सौगात देनी है, और कैसे उन्हीं जगहों पर जाकर रैली करनी है जहां पर उनकी पार्टी का बहुमत नहीं है या जहां पर उनकी पार्टी जीती नहीं है अब तक। तो ये मिशन की ही पटकथा है। इसके साथ ही सम्मेलन कैसे करने हैं, कैसे वादे देने हैं, कैसी बात करनी है। अब इस समय जो चलन चल रहा है वो चल रहा है महिलाओं को अपने पक्ष में करने का, यानी जो हमारे देश की आधी आबादी है, जो हमारे देश का आधा वोट बैंक है, उसको अपने पक्ष में करने की बात यहाँ पर की जा रही है। पर यहाँ पर हमारा मुद्दा केवल महिलाएं नहीं है, हमारा यहाँ मुद्दा है चुनावी मिशन की तैयारियाँ, कि पार्टियाँ चुनावी जो चुनाव हैं उसको मिशन के रूप में लेती हैं। आगामी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, और सारी पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं और जनता के बीच नए नए वादों के साथ जा रही हैं। कहीं पर लैपटॉप बांटने की बात हो रही है तो कहीं स्कूटी, कहीं प्रतिज्ञा ली जा रही हैं तो कहीं अन्न बांटा जा रहा है, कहीं बिजली जो फ्री बिजली की बात की जा रही है तो कहीं मुफ्त राशन की बात की जा रही है। कुल मिला के जो मुद्दे जनता के हैं वो मुद्दे अब भी इन चुनावी बावड़ों से कहीं दूर हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फ्री बिजली दे रहे हैं तो देंगे कैसे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? अगर हम फ्री स्कूटी देंगे उसकी व्यवस्था कैसे होगी? लैपटॉप देंगे उसकी व्यवस्था कैसी होगी? तमाम भत्तों की, तमाम योजनाओं की बात होती है, पर हम यहाँ पर वो बात क्यों नहीं करते जिससे कि ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कि आम जनता को इन चीज़ों को लेने की जरूरत ही ना पड़े। आम जनता कभी नहीं चाहे कि मुझे मुफ्त में बिजली मिले, मुझे मुफ्त में राशन मिले, मुझे मुफ्त में पानी मिले, मुझे मुफ्त में स्कूटी मिले या मुझे मुफ्त में लैपटॉप मिले। आम जनता इस लायक हो जाए कि उन सारी चीज़ों को, जो भी भौतिक सुविधाएं की चीज़ें हैं, सबको स्वयं मुहैया कर सकें और स्वयं स्वावलंबी बनके आत्मनिर्भर बन सकें, उनको किसी भी गवर्नमेंट, किसी सरकार पर, किसी शासन पर, किसी योजनाओं के ऊपर टिकने की जरूरत नहीं है। पर इस बात का गवाह है केवल हमारा भारतीय इतिहास रहा है कि अब तक केवल और केवल चुनाव के समय अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग योजनाएँ बनाई गई और केवल किए गए वादे ही वादे, कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। वादे कहाँ तक सक्सेस रहे, सफल हुए, जनता को क्या मिला, ये तो केवल जनता जानती है, सत्ता जानती है, और कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर चुनाव एक मिशन है तो जनता के मुद्दे भी एक मिशन होना चाहिए। वो अब तक इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होने वाले चुनाव से फिलहाल गायब ही रहते हैं। देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी की भावनाओं का सम्मान है और होना भी चाहिए, ये हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। पर जब हमारे देश में बात चुनाव की होती है तो ना जाने क्यों सारे अधिकार और नियम राजनीतिक दलों के सुपुर्द हो जाते हैं।
यानी कि देश में जनता के मुद्दे छोड़कर बाकी सबकी बात होती है। बात भी ऐसी कि समझ से बाहर है। जनता की बात तो हर रैली में होती है, सभा भी होती है और अलग अलग सम्मेलनों में भी जनता की बात होती है, पर उन बातों का जनता के ज्वलंत मुद्दों से कितना संबंध है, ये बताना हम जैसे ही कलम के सिपाहियों का ही काम है। अगर इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शुरू से ही कहा जाता रहा है कि मूलभूत जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, पर ये बात किसी फिल्म के टाइटल से मालूम होती है। जरूरत हमें हर उस चीज की है जिससे हमारा मानव जीवन जुड़ा हुआ है, और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। रोटी, मकान, रोजगार, साफ जल, स्वच्छ परिवेश, सामाजिक और आर्थिक विकास, सुरक्षा, शिक्षा और अंत में स्वास्थ्य। पर आज के समय में बात होती है फ्री बिजली, लैपटॉप, स्कूटी और सहायता राशियों की और विभिन्न प्रकार के भत्तों की। पर राजनीतिक दलों के ये वादे भले ही जनता से जुड़े हों या ना हो, पर हमको तो चुनाव लड़ना है और हमारा मिशन केवल और केवल चुनाव ही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही राजनीतिक दल सत्ता की चाबी पा सकते हैं। चलिए अब वादों की बात कर ले तो कोई महिलाओं को सीट देने की बात कर रहा है, तो कोई फ्री बिजली और शिक्षा की, कोई लैपटॉप और स्कूटी की बात कर रहा है, तो कोई मुफ्त आवास की, कोई भक्तों की बात कर रहा है, तो कोई योजनाओं की। पर यहाँ जनता के मुद्दों की बात कहीं भी होती नहीं दिख रही है। सबके अपने लुभावने वादे, और इनमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि कितने वादे सत्ता पर पहुँचने के बाद पूरे होंगे और कितने अधूरे रहेंगे, ये किसी के भी समझ में नहीं है। ये किसी को नहीं पता, ना ही सत्ता को, ना ही जनता को। चुनाव आ गए हैं तो अब वो लोग भी बाहर निकल आए हैं जो अब तक किसी बड़ी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देने में भी पीछे रहते थे। पर यहाँ मुद्दा किसी बड़ी घटना या मुद्दे का नहीं है, यहाँ मामला चुनाव मिशन का है और उद्देश्य सिर्फ वो है, यानी सत्ता। नेताओं की बात करें तो प्रदेश में जो कोई चमत्कार भी नहीं कर पाए थे, वो अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन के लिए युद्ध भूमि यानी रणभूमि, या साफ साफ शब्दों में कहें तो चुनाव भूमि में उतर आए हैं। आखिर यहाँ मामला सत्ता का जो है, कौन नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी सत्ता में आए और नेता सत्ता का सुख भोगे। पर उनको इस चुनावी मिशन की शुरुआत करने से पहले अपने उन प्रदेशों की भी उपलब्धियों को सामने लाना चाहिए जो उनके द्वारा उस प्रदेश में प्राप्त की गई हैं। पर नहीं, यहाँ तो उनका उद्देश्य केवल और केवल जनता के सामने सत्ता पक्ष की कमियां गिनाना है। अरे कुछ अपना कार्यकाल भी बता दे कि आपने क्या किया। अगर महिला कल्याण या सुरक्षा की बात करते हैं तो अपने नेतृत्व वाले प्रदेश में कितना काम महिलाओं के लिए हुआ, वो भी बताना तो जरूरी है। खैर जो भी है, यहाँ जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ बात केवल एक ही होती है कि सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुँचा जाए। इसके अलावा कोई मिशन नहीं है, न स्वास्थ्य मिशन, न शिक्षा मिशन, न कल्याण मिशन और न ही सुरक्षा मिशन। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जिस तरह से ओमिक्रोन बढ़ रहा है और हमारे देश में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर न ही कोई संवेदना है, न ही चिंता, क्योंकि यहाँ केवल और केवल एक ही मिशन है और वो है चुनावी मिशन। ऐतिहासिक अवसर है, आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मुला, सब सुख करनी हरनी सब सुला, यानी माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी
यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था, जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। इस धरती को मैं नमन करता हूं, यहां के लोगों ने हमेशा, यहां के चौधरी चरण सिंह जी ने न केवल आपके इलाके को बल्कि पूरे प्रदेश देश के किसानों को जिलाने का काम किया। ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिसके बीच से ऐसे महान नेता निकले। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका संविधान, जिन्होंने संविधान देकर के इस लोकतंत्र में हमें और आपको अधिकार देने का काम किया है, मैं उनको भी याद करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। कांग्रेस की सरकार है, मुझे गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक एक जन की मदद की, जो पीछे नहीं हटे, जो आपके लिए संघर्ष करते हैं और आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे आपका विकास हो। लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं आज। तो देखा आपने किस तरह का लोगों के बयान रहे, क्या रिपोर्ट रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल उन मुद्दों की को करते हैं जिन मुद्दों का आज चुनाव से संबंध है। हम अगर विकास की बात करते हैं या हम मिशन की बात करते हैं या जनता की मुद्दों की बात करते हैं तो केवल चुनाव के समय याद क्यों आते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 5 साल के लिए हम सत्ता में आते हैं तो साल दर साल एक मिशन लेके चले कि 1 साल में हमको इस मिशन को पूरा करना है, 1 साल में हमको इस मिशन को पूरा करना है, 1 साल में हमको इस मिशन को पूरा करना है। तो मान हो सकता है कि 5 साल में करीबन करीबन 4 मिशन तो हम पूरे कर पाए। क्या ऐसी सोच नहीं हो सकती है कि हम इस तरह से अपना एक सीरीज बनाए, एक सिनेरियो बनाए, एक व्यवस्था बनाए कि साल दर साल हम एक मिशन लेके चलें और कम से कम अगर हम सत्ता में आए हैं तो कम से कम उस मिशन को, उस मुद्दे को, उस जरूरत को, उस व्यवस्था को
पूरी तरह बदल सके, उसको ठीक कर सके। पर यहां पर ऐसी सोच नहीं है। हम बात करते स्वास्थ्य की, हम बात करते शिक्षा की, हम बात करते हैं रोड की, हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं स्वच्छता की, पर हमको ही पता है कि किस प्रदेश में कैसी व्यवस्था है। और यहां बात केवल हमारे देश की नहीं, अन्य प्रदेशों की भी करें जहां पर स्थिति ऐसी ही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, जहां जिसकी सरकार हो वहां पर स्थिति लगभग एक ही रहती है। हाँ, नीतियां अलग बनती रहती हैं, व्यवस्था अलग बनती रहती है, कुछ चीजें अलग होती है, कुछ बेहतर काम होते हैं, पर उन बेहतर कामों से जनता के मुद्दे तब भी दूर ही रह जाते हैं। हम क्यों देखते हैं कि जब चुनाव पास आता है तभी हम गड्ढे बनवाने की बात करते हैं या गड्ढे भरवाने की बात करते हैं? हम क्यों देखते हैं जब चुनाव पास आता है तभी हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करते हैं? हम क्यों देखते हैं कि जब चुनाव आता है तभी हम स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करने की बात करते हैं? हम क्यों देखते हैं जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो केवल केवल चुनाव के समय क्यों करते हैं? हम क्यों शिक्षा की बात चुनाव के समय करते हैं? हम क्यों महिलाओं सुरक्षा की बात चुनाव के समय करते हैं? क्योंकि चुनाव में हमको इन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है, और जनता को अलग अलग लुभावने बातों से हम चाहते हैं जनता हमको समर्थन दे। जिस तरह से अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है महिलाओं को प्राथमिकता देना, महिलाओं का वोट अपने पक्ष में करना, महिलाओं का समर्थन प्राप्त करना। उसके लिए अलग अलग पार्टी अलग अलग एजेंडा बनाई है, कोई 40% सीट दे रही है, कोई लैपटॉप दे रही है, कोई योजना ला रही है, कोई महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। पर यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोषणा, ये बातें केवल चुनाव के समय क्यों होती है? केवल चुनाव के समय ही इन बातों का मिशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये चुनाव मिशन के रूप में देखते हैं और मिशन के रूप में लड़ते हैं, पर ये जनता मुद्दे मिशन के रूप में क्यों नहीं लेते? मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात करने नहीं आया हूं, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरा ये प्रश्न हर एक पार्टी से है जो इस देश में सत्ता में काबिज है, और साथ ही साथ उस विपक्ष से भी है जो सत्ता के विरुद्ध चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लड़ने जा रहा है, जो प्रयास कर रहा है कि अगली बार सत्ता उसको मिले। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां जोरों पर है, लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बड़ा चुनाव है। पर जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जनता के मुद्दे तो पीछे ही रह जाते हैं, उन पर कोई बात न सत्ता करने जाती, न विपक्ष, जनता के मुद्दे का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सब केवल बातें होती हैं कि हम जनता की बात करते हैं, कुछ नहीं, केवल धुआं ही धुआं। पार्टियां केवल चुनाव के लिए मैदान में हैं, इसके अलावा पार्टियों का कोई एक नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज का आंकड़ा जो है वो लगभग 216 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, पर यहां पर केवल बात हो रही है लुभावने बातों की। मैं यहां पर यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां लुभावने बात है, पर यहां पर मैं देख रहा हूं कि सबके लिए चुनाव एक मिशन है। सर्व मिशन अन्य मुद्दों के लिए क्यों नहीं होता? मेरी सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ी बात मेरी यहीं पर है कि आप मिशन स्वास्थ्य को लेकर क्यों नहीं बनाते, आप मिशन स्वच्छता को लेकर क्यों नहीं बनाते, और आप मिशन आधारभूत व्यवस्था को लेकर क्यों नहीं बनाते, आप मिशन बेरोजगारी को लेकर क्यों नहीं बनाते, आप मिशन सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं बनाते? अभियान होते हैं, मिशन कोई नहीं बनता, पर इस समय मिशन बना हुआ है केवल और केवल चुनाव, जिसके लिए अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेता इस समय अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, और अपनी पार्टी के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर उनके लोग भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह जी लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस के भूपेश बघेल की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करें चरणजीत सिंह चन्नी भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? इसलिए आ रहे हैं ना कि उनके लिए चुनाव एक मिशन है। मुझे उनके मिशन से कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनके मिशन से कोई विरोध नहीं है, पर मुझे विरोध केवल इस बात का है कि अगर आप चुनाव को एक मिशन के रूप में देखते हैं तो जनता के मुद्दों को भी मिशन के रूप में क्यों देखना नहीं चाहते?
और यहां पर कमी केवल सत्ता की नहीं है, यहां पर कमी विपक्ष की भी है। कि जो बाधे सत्ता करती है वही बाधे विपक्ष भी करती है। अगर सत्ता कुछ बांट रही है तो विपक्ष भी कुछ बांटेगा। अगर लैपटॉप बांटा जा रहा है तो स्कूटी भी बांटी जाएगी। अगर राशन दिया जा रहा है तो मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। यानी मुफ्त की राजनीति होती है। पर सबसे बड़ी बात, अगर राजनीति हो रही है तो जनता के लिए कब होगी? अगर बात हो रही है तो जनता के लिए कब होगी? अगर व्यवस्थाएं हो रही हैं तो जनता के लिए कब होंगी? अगर योजनाएं बनाई जा रही हैं तो जनता के लिए कब बनेगी? हम अपने चुनाव को एक मिशन के रूप में देखते हैं, पर हम जनता को मिशन के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? ये वही जनता है जो आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचाती है। ये वही जनता है जो आपको सत्ता के सबसे बड़े रसूख पर बैठाती है। ये वही जनता है जो जनार्दन है, और ये वही जनता है जो आपसे कुछ उम्मीद भी रखती है। क्योंकि लैपटॉप देना, स्कूटी देना, मुफ्त राशन देना, मुफ्त बिजली देना, ये समाधान नहीं है। जो मुद्दे हैं वो आज भी हमारे देश में मुद्दे ही बन के रहे हैं, और वो मुद्दे अमर हो चुके हैं। उन मुद्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीवंत मुद्दे हैं। मुद्दों की बात करूं तो वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं एक ढांचागत विकास का, वो मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं का, वो मुद्दा है शिक्षा का, वो मुद्दा है स्वच्छ पेयजल का। जहां पर आज भी जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को सैकड़ों किलोमीटर, कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है, जहां आज भी पीने का पानी नहीं मिलता, जहां आज भी सूखा पड़ता है, जहां आज भी सिंचाई की वो सुविधा नहीं है जिसके कारण गांव वाले, जो गांव के लोग हैं, वो अन्य शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, अपने बच्चे को पाल रहे हैं। ये व्यवस्था है, और यही वो मुद्दे हैं जो आज देश में जरूरी होना चाहिए, जिनके लिए भी एक मिशन बनाया जाना चाहिए, जो अब तक नहीं बना है। ना इसके लिए सत्ता सोचती है और ना इसके लिए विपक्ष सोचता है। मेरा अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी लोगों से निवेदन है, और मेरा एक इंतजा है, कहा जाता है ना कि अगर आपने कुछ भी बेहतर कर दिया तो उसका आपको लाभ ही मिलेगा। हम क्यों नहीं सोचते कि अगर हम जनता के कुछ मुद्दों को जो हमारे हैं वो खत्म कर दें तो शायद हमको आगामी चुनाव के लिए चुनाव को मिशन के रूप में नहीं देखना पड़ेगा। जनता हमको खुद वोट देगी। हम क्यों उन व्यवस्थाओं के साथ नहीं जाते, हम क्यों उन स्थायी योजनाओं के साथ नहीं जाते जिनसे जनता को लाभ मिले? हम क्यों उन व्यवस्थाओं के साथ नहीं जाते जिनसे जनता को कुछ राहत मिले? हम फ्री बिजली की बात क्यों करते हैं? हम बिजली की दरों को कम करने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम सौर ऊर्जा प्लांट को क्यों नहीं बढ़ावा देते? हम सिंचाई व्यवस्थाओं को क्यों बढ़ावा नहीं देते जिससे कि लोग अपने आप को गांव से पलायन करने से रोक सकें? क्यों बेरोजगारी बढ़ेगी? जब लोग अपने गांव में रहेंगे, अपना रोजगार कर सकेंगे, खेती किसानी कर सकेंगे, स्वरोजगार लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी कुछ हद तक समस्या खत्म हो जाएगी। कि कृषि भी एक व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है, और जिसको हम कमतर नहीं आ सकते। पर इस व्यवसाय में आज जिस तरह से चुनौतियाँ हैं, जिस तरह से परेशानियाँ हैं, जिस तरह की अड़चने हैं, उसके लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी, और नीतियों का क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा और समीक्षा भी करनी पड़ेगी। तो मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम पार्टियों से, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, क्योंकि आप अगर अपने प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेश में जा रहे हो अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने, तो कम से कम अपने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाइए कि आप जहां पर काबिज हैं आपने क्या किया। अगर आप जहां पर काबिज हैं वहां पर आपने ऐसी कौन सी योजनाएं की, वहां पर आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि वहां की जनता खुश है, तो पहले अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करिए। पहले अपने देश की, अपने जो क्षेत्र है या अपना प्रदेश है, वहां की जनता बताए कि क्या आपने वहां पर अपने कार्यकाल में किया है। वो उपलब्धियां लेके आप जनता के बीच जाए अन्य प्रदेशों में, अगर आप अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगते हैं। केवल विपक्ष, केवल अन्य प्रदेशों में जाके सत्ता पक्ष पर उंगली उठाना बहुत आसान है। अपनी उपलब्धियां भी गिनाए कि हमने उस प्रदेश में ये काम किया है, और अगर हमारी पार्टी इस प्रदेश में आएगी तो ये बेहतर काम करेगी। केवल स्कूटी बांटना, केवल लैपटॉप बांटना, केवल कन्याधन बांटना, केवल और केवल प्रतिज्ञा लेना,
ये किस चीज का सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम सत्ता पक्ष और तमाम विपक्ष से एक ही बात बोलूंगा कि अगर चुनाव आपके लिए मिशन है तो मेरा मानना है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो भी आपके लिए मिशन होना चाहिए। तभी जनता को जो अमर मुद्दे हैं जनता के, जिनका अब तक समाधान नहीं हो पाया है या आज भी वो अस्थायी तौर पर ही समाधान होते रहे हैं, उनको स्थायी समाधान हो सकेगा और जनता को राहत मिल सकेगी और जनता कह सकेगी कि हमने एक सही पार्टी को चुना है जिसने हमारे उन मुद्दों को ख़त्म किया है जो मुद्दे अब तक अमर थे और जीवंत थे। तभी माना सकता है कि एक मिशन पूरा होगा और वो मिशन होगा वो होगा जनता का मिशन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही चुनावी मिशन के अलावा जनता का मिशन भी हमको देखने को मिले। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगली बार फिर भी मिलता, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।